फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ, बताओ, मसाला डोसा। और काकू भी उठा था तो मैंने उसको, मतलब सुबह उठा, फिर दूध वगैरह पिया, दलिया खिलाया उसको, फिर मैंने उसे थोड़ी देर सुला दिया क्योंकि वो सोता है तो ही मेरा काम होता है, वरना वो कभी इधर, आपको पता ही है बच्चों के साथ कैसा होता है। तो अब मैं मसाला डोसा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सांभर मैंने रख दी है, चटनी मैंने बना दी है, बैटर मैंने उसका बना दिया है और आलू वगैरह मैंने उबाल के रख दिया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें मैंने सांभर बनाने रख दिया है और ये देखिए आलू है और देखिए ये मैंने डोसे का बैटर बना दिया है, बहुत ही अच्छा बना है, देखिए फ्लॉपी सा हो रहा है ना। और ये इमली का पानी है सांभर में डालने के लिए और देखिए चटनी कितनी बढ़िया बनी है, ये है नारियल की चटनी। और बस अब मैं आलू को फ्राई करके डोसे के लिए उसे फिटिंग करने के लिए बनाऊंगी। उसके बाद वैसे तो शाम को है मेरा विचार बनाने को है डोसा बनाने का विचार, क्योंकि मेरी फ्रेंड और मेरा फ्रेंड दोनों आ रहे हैं तो कुछ बनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ में किसी को खाना चाहिए, क्योंकि मुझे अकेले ही चीजें खाना अच्छा नहीं लगता और मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है। तो सब मुझे कहते भी हैं कि बच्चे के साथ कैसे कर लेती कैसे, पर मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। वैसे मैंने शादी से पहले ही सब बनाया था और शादी के बाद मैं अब बना रही हूँ, क्योंकि ससुराल में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे ससुराल वालों को, मतलब उनको सिंपल खाना ज़्यादा पसंद होता है, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती है। वहाँ मैंने एक बार सूजी का वो जो होता है ना, जैसे बेसन का चीला टाइप का, मतलब सूजी का चीला बनाया है मैंने। काफ़ी चीज़ें मैं बनाती रहती थी वहाँ पे, मतलब वो लोग ये चीज़ें पसंद नहीं करते थे और क्योंकि वो सिंपल है और पति देव को तो अब क्या करें, मजबूरी में खाना पड़ता है, पर वो खा लेते हैं, उनको वही चीज़ें अब पसंद आने लग गई है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, आपने देखा ही होगा। और अब मैं आज सोच रही थी डोसा बनाऊँ, बहुत दिन से मैं सोच रही थी डोसा बनाऊँ, तो मैंने आज डोसा का बनाने की तैयारी की है। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बज चुकी है, काकू को सुलाया नहलाया वगैरह, उसको दलिया वगैरह खिलाया तो काफ़ी लेट भी हो चुका है। तो बस और सांभर वगैरह मैंने सब बना दी है, चटनी मैंने बना दी है, बैटर मैंने पीस वेस के सब रख दिया है और बस अब मैं शाम को ही बनाऊंगी, अभी तो भूख नहीं है क्योंकि आज हैवी नाश्ता हम लोगों ने आलू के पराठे खाए थे। तो और देखिए मैं डाइट भी कर रही हूँ और साथ साथ वॉक भी जाती हूँ और ये सब भी खा रही हूँ, तब तो हो गई मैं पतली। धूप में बैठी थी आज, बहुत अच्छी धूप आ रही है, अभी मैं वहाँ पे बैठी थी तो मैंने सोचा कि फटाफट जब तक ये सोया है तब तक मैं तैयार। देखिए मेरे कान्हा जी, आज मैंने इनके लिए भी सूजी का हलवा बनाया है, देखिए बैठे हैं वो भी। ये मेरा सांभर बनके रेडी हो गया है, कितना अच्छा और कितना सुंदर कलर आया है। मैंने सिर्फ गाजर को ऐसे रखा है और जो मैंने बैंगन और इसमें कद्दू लौकी वगैरह डाला था वो मैंने सब मैश कर दिया है, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को ये सब्जियां मुंह पे आए ऐसे तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सब मैश कर दिया। कलर देख इतना सुंदर आया, इतना बहुत टेस्टी हो रही है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है। अब मैं करूँगी आलू को फ्राई, मैंने आलू मैश करके रख दिए हैं डोसे के लिए, फिर आपको दिखाऊंगी डोसा कैसा बनता है। देखिए अभी मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ तो ये डोसा मैं सिंपल बना रही हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, बस ये डोसा मेरा बन चुका है। देखिए गाइस कितना अच्छा डोसा बना है। अभी मैं आपको एक आलू मसाले वाला भी बताऊँगी, ये मैंने अपने कान्हा के लिए बनाया तो मैंने ऐसा ही बनाया। ये मैंने अपने कान्हा के लिए बनाया है, तो कहाँ गई मेरे कान्हा की ब्लेड,
देखिए ये मैंने कान्हा जी के लिए बनाया है। पहला भोग मैं अपने कान्हा को लगाती हूँ, जैसे कि आप सबको पता है। देखिए कितना अच्छा फ्लफी डोसा बना है करारा। देखिए एक मैंने आलू मसाला वाला डोसा बनाया है, देखिए कितने अच्छे से ये बढ़िया स्मूथ हो गया है और देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। अब इसको ऐसे कर देना है। देखिए डोसा तैयार, डोसा बन चुका है। और ये नीचे देखो मुझे परेशान कर रहा है, क्या चाहिए क्या चाहिए, इसको फाड़ना है, कह रहा है इसको फाड़ दो, ये खाना है आपको। ओके ये मेरा डोसा बनके रेडी है। और देखिए सांभर कितना अच्छा बना है, ये सांभर है, ये चटनी है और ये मेरा डोसा बहुत टेस्टी बना है।